नमो बुद्धाय। हम लोग ये संसार में जन्म जन्म में जन्म लेके मर के फिर जन्म लेके आए हैं, करोड़ों अनगिनत जन्मों में आए हैं। ये संसार की यात्रा में अभी हमें मानव जन्म मिल गया, लेकिन मानव जन्म मिलने पर भी ये मानव जन्म सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग तरीका नहीं जानते हैं। मानव जीवन कल्याण करने के लिए, सुखी बनाने के लिए हमारे माँ बाप हम लोगों को स्कूल चलाया, पढ़ाया, जबरदस्त हम लोगों को बताए हैं तुम लोग पढ़ाई करो। हम लोग पढ़ाई किए हैं, जवान होते हुए कोई नौकरी खोजने के लिए मेहनत किए, इसके बाद शादी किए, घर द्वार बनाए हैं, जीवन बिताए। ऐसे होने के बाद लोग कहता है उन लोग का जीवन एकदम सफल हो गया है। उसी प्रकार जीवन बिता के मरने के बाद समाज के लोग कहते हैं वो जो मरा है वो आदमी अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छा से कमाया, अच्छा से जीवन बिताया, ऐसे करके बोलते हैं। अगर जो कोई जमीन धन संपत्ति लेकर के रहेगा तो लोग कहता है वो आगे बढ़ गया है, उसका जीवन सफल हो गया है। हमेशा लोग दूसरों का सफलता के बारे में देखे हैं, उन लोगों का धन संपत्ति देख करके, लेकिन कोई भी नहीं ध्यान देता है कैसे कमाया, साधारण से या अधार्मिक से कमाया, वो कुछ जरूरत नहीं है। लोग कहता है गाड़ी उड़ी ले करके, पढ़ाई उढ़ाई करके रह गया तो वे लोग अच्छे हैं, आगे बढ़ गए हैं, उसी जीवन सार्थक हैं, सफल हो गए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ये सफलता सही सफलता नहीं बताए हैं। जो कोई आर्थिक बढ़ाव है, आर्थिक सफलता है, वो छोटी मोटी चीज है। आप देखिए अमेरिका, चाइना, जापान जैसा देश है, बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा बढ़ाव, ऐसा सफलता छोटी मोटी चीज है, अल्प है, अल्प मात्र है। लेकिन सबसे महान बढ़ाव क्या है? प्रज्ञा को बढ़ाना। ये प्रज्ञा को, ज्ञान को बढ़ाया तो हम लोग तीन चीज बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ा सकते हैं शरीर, जो कोई शरीर से हत्या नहीं करेगा तो अपना शरीर इस्तेमाल करके, थोड़ा भी चोरी नहीं किए तो, अपना शरीर इस्तेमाल करके व्यभिचार नहीं किए तो वो शरीर बढ़ाए हैं, उनका शरीर परिशुद्ध है। अपना शरीर इस्तेमाल करके बीड़ी, सिगरेट, कैनी इत्यादि, दारू ताड़ी कुछ भी नहीं पिया तो वो उनका शरीर परिशुद्ध कर चुका है, बढ़ा दिया है, आगे बढ़ गया है। जो कोई असत्य झूठ नहीं बोलेगा तो वो अपना वाणी को आगे बढ़ाया है, चुगली नहीं किया तो वो अपना वाणी को आगे बढ़ाया है, कठोर वचन गाली नहीं बोलेगा तो वो अपना वाणी को बढ़ाए हैं। अल्तू फालतू बात, व्यर्थ बात, मजाक, कॉमेडिक बात नहीं बोलेगा तो वो अपना वाणी को आगे बढ़ाए हैं। भगवान बुद्ध यही बताए हैं, असली आगे बढ़ाओ यही है, नहीं तो पढ़ाई करके शादी उदी करके धन संपत्ति कमा के रहना नहीं। तथा
इस संसार में लोग दूसरों का समान देख करके उसी पर लोभ नहीं करेगा तो दूसरों का सुख संपत्ति देख करके जलन नहीं करेगा तो उन लोग का मन भी आगे बढ़ा है। क्रोध नहीं करेगा तो बदलाव लेने के लिए नफरत नहीं करेगा तो एक गलती होने के बाद बदलाव लेने के लिए वो लिख गलती करे नहीं करेगा तो बदमाश नहीं है तो अपना मन धार्मिक है तो उसका मन आगे बढ़ा हुआ है। मन में मोह माया नहीं है तो भगवान बुद्ध बताया यही है असली बढ़ाव। ये सारे बढ़ाव सिर्फ मिल जाता है ज्ञानी लोगों को, प्रज्ञावान लोगों को, यही है असली आगे बढ़ाव। ये सब कुछ अपने पास उत्पन्न होता है और कोई तरीका नहीं है। धर्म भगवान बुद्ध की धर्म से ही उत्पन्न करना पड़ता है और कोई चीज से नहीं। अब देखिए आप लोग धार्मिक हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कोई चोर आ गया तो आप लोग के साथ बैठ के प्रवचन सुनेगा तो फिर भी वो चोर है तो चोरी का काम नहीं छोड़ दिया तो वो आप लोगों का साथ नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। वो धार्मिक जीवन का कोई संपर्क उसके साथ नहीं है। इसका मतलब ज्ञानी लोगों के साथ रहने पर ज्ञानी नहीं बनता है। भगवान बुद्ध की धर्म का एक गुण है पच्चत्तम वेदिता बोविन्यु, इसका मतलब बुद्धिमान लोग ये धर्म अलग अलग से समझना चाहिए, जैसा समझ में आता है उसी प्रकार से समझना पड़ता है। आप सोचिए इसके लिए एक उदाहरण में बता दूंगा। सोचिए आपके पास घर नहीं है लेकिन आपके पास है एक जमीन, 2-3 कट्टा का एक जमीन है, घर नहीं है। अगर घर नहीं होने के कारण आप जमीन में रह गया तो बारिश धूप हवा ये सारी चीज से आपको परेशान हो जाता है। लेकिन एक कारुणिक कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आकर के घर बनाने के लिए सारे सामान देते हैं, सीमेंट बालू ईटा सब कुछ देता है। जो घर बनाना चाहिए उसी नक्शा भी दे देता है और बताता है इस जगह पे पिलर लगाना है, सब कुछ बता देता है। अब उसी को सब कुछ मिल गया, सारे सामान मिल गया, प्लान भी मिल गया, लेकिन ये आदमी अगर सारे सामान लेकर के बिना घर बना के रह गया तो कभी आपत्ति से बच पाएगा, कष्ट से वो मुक्त हो गया है? नहीं। लेकिन वो बोलेगा मैं जानता हूं घर बनाने का तरीका, मेरे पास सारे सामान है, ऐसे बोलते बोलते रहेगा। फिर भी घर जब तक नहीं बनेगा तब तक उसके साथ कष्ट परेशान तकलीफ है। और एक आदमी है उसके पास सारे सामान है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए छोटा सा झोपड़ी बना के रहता है, मजबूत नहीं है, थोड़ा जोर से हवा आ गया तो झोपड़ी उड़ जाता है। और लोग होता है ऐसा नहीं, बहुत मेहनत से वीर से मेहनत करके अपना जितना शक्ति है उतना ही मजबूत से सामान लेकर के अच्छा तरीके अच्छा से घर में घर बनाने के लिए
प्लानिंग बनाता है, इतना ऐसा प्लानिंग बनाता है कभी घर नहीं बन सकता है, इतना बड़ा घर का प्लानिंग शुरुआत कर देता है, कभी 50, 60, 80, 100 साल में भी नहीं बन पाएगा, ऐसा लोग भी है, तीन प्रकार के लोग। वैसे ही हमारे मानव जन्म, हम लोगों को ये मानव जन्म हम लोगों को मिला हुआ जमीन जैसा है। भगवान बुद्ध की धर्म, भगवान बुद्ध की ज्ञान जमीन में घर बनाने के लिए दिया हुआ ईंट पत्थर सीमेंट बालू इत्यादि सामान जैसा है। धर्म मार्ग में जाने का अनुशासन घर बनाने का प्लानिंग जैसा है। तो एक दो आदमी अपना घर बनाते हैं, बाकी लोग बालू सीमेंट ईटा पत्थर रख के रहता है, बनाते नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जीवन को सुधारना चाहिए, अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कारण जीवन बढ़ाने का तरीका सिर्फ भगवान बुद्ध की धर्म से मिल जाएगा, सिर्फ ये काम कर सकता है बुद्धिमान लोगों को। भगवान बुद्ध निरंतर हमें बताए हैं ये संसार में है अनित्य चीज, ये अनित्य के बारे में भगवान बुद्ध को बहुत गहरी समझ ज्ञान है। आज ये सुंदर उपदेश भी भगवान बुद्ध की सुंदर ज्ञान के बारे में है। ये सुंदर उपदेश का नाम सात सूर्य जन्म लेने के बारे में, सात सूरज उगने के बारे में बताया गया सूत्र, सत्य सूर्य गमन सूत्र। क्या नाम है? सत्य सूर्य गमन सूत्र। ये सुंदर उपदेश भगवान बुद्ध बताए हैं वैशाली में, आम्रपाली वन में, भंते लोगों को बताया है भगवान बुद्ध ने बताया। अनिच्चा भिक्खवे संखारा, संखारा मतलब उधर, संखार मतलब भगवान बुद्ध ने बताया जो कुछ कारण से उत्पन्न होता है वो सब चीज संस्कार है, बताया ये संस्कार सब कुछ अनित्य है, जो कुछ कारण से उत्पन्न हुआ संसार में सब कुछ बदल जाता है। अध्वा भिक्खवे संखारा, जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न होता है वो सब कुछ अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अनसासिका भिक्खवे संखारा, जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ बिना शांति का है। यावंचिदं भिक्खवे अलमेव सब संखारेषु निबिंदितुं, इसलिए ये जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न हुआ वो सब के बारे में अनासक्त होना ही महान है, जरूरी है आसक्त नहीं होना। अलंग विराजितुं, अवबोध से ही अनासक्त होना चाहिए। अलंग विमुच्चितुं, अवबोध से ही मुक्त होना चाहिए। अगर भगवान बुद्ध की ये संदेश सही तरीके से हम लोग पकड़ेंगे तो हम कोई भी खाली हाथ से नहीं मरते हैं। भगवान बुद्ध की ये संदेश अच्छी तरह नहीं समझने के कारण ही
हम सभी लोग अनित्य बदलने वाले चीज पकड़ के, बदलने वाले अनित्य चीज ही स्वीकार करके, आशा करके, लोभ से भर के बिना खुशी से मरना पड़ता है। देखिए भगवान बुद्ध की अनित्य दर्शन कितना सुंदर है। भगवान बुद्ध ने बताया ये सिनेरु पर्वत 40,000 योजन लंबा है। योजन मतलब एक योजन के लिए 7 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है एक योजन के लिए। 40,000 किलोमीटर सिनेरु पर्वत लंबा है और 40,000 योजन चौड़ा है। ये सिनेरु पर्वत 40,000 योजन महासागर के अंदर में है और 40,000 योजन महासागर से ऊपर है बताया। लेकिन लाखों साल के बाद आता है कोई समय, उसी समय कोई बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने के कारण जितना पेड़ लता घास जो कुछ पेड़ पौधा है सब कुछ मर जाता है बहुत समय बाद। क्यों? बारिश नहीं होने के कारण। बताया वैसे ही है ये संस्कार। संस्कार मतलब जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न हुआ वो सब कुछ संस्कार है। ये सब कुछ संस्कार अनित्य हैं, स्थिर नहीं है, कोई शांति नहीं देती है। इसलिए अवबोध से ही ये संस्कार से अनासक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, अवबोध से ही मुक्त होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया और समय जाने के बाद ये सूरज से अलावा और एक सूरज उग जाता है, वो दूसरी सूरज संसार में उगने के बाद छोटा छोटा पोखर तालाब धीरे धीरे सूख जाता है। ये सब कुछ धीरे धीरे सूखने के कारण पानी खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया वो इसलिए याद रखिए जो कुछ संस्कार है वो सब कुछ संस्कार अनित्य है, स्थिर नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए ये सब कुछ के बारे में अवबोध से ही अनासक्त होना चाहिए, अवबोध से ये सब कुछ से मुक्त होना ही अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया और समय जाने के बाद ये दोनों सूरज से अलावा और एक सूरज उगता है। इसके बाद कितना सूरज है? 3 सूरज है। तीसरी सूरज उगते समय क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा नदी सूख जाती है, जैसे कि गंगा, जमुना, अचिरवती, माही, सरभु इत्यादि महानदी सब कुछ सूख जाती है। इसके बाद महागंगा दुनिया में नहीं होता है। इसलिए याद रखिए भगवान बुद्ध ने बताया, याद रखिए जो कुछ संस्कार है, संस्कार मतलब जो कुछ कारण से उत्पन्न हुआ सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी हमें कोई शरण नहीं दे सकता है। इसलिए अवबोध से ही इस पे अनासक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, अवबोध से ही सब कुछ से
मुक्त होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, और समय जाने के बाद चौथी सूरज भी उगना शुरुआत होता है। चौथा सूरज उगते समय जो महानदी शुरुआत होने के लिए महापोखर होता है, ये बर्फ की पहाड़ियां के बीच में वो सारे पोखर सूख जाता है। जैसे कि मान सरोवर, सिंहपपात सरोवर, रथखार पोखर, कान्नमुंड पोखर, कुणाल पोखर, छद्दंत पोखर, मंदाकिनी पोखर, अनोतत पोखर, ये सारे तालाब सूख जाता है। ऐसे है तो चौथे सूरज उगने के बाद पृथ्वी में एक बूंदा जल नहीं है, सब कुछ सूख जाता है। वैसे ही है, याद रखिए, सारे संस्कार अनित्य है, स्थिर नहीं है, कोई शरण नहीं है। इसलिए ये सारे चीज से, अवबोध से ही अनासक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, सब कुछ चीज से मुक्त होना ही अच्छा है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, और समय जाने के बाद पंचमी सूरज भी उग जाता है। पंचमी सूरज उगते समय महासागर समुद्र सूख जाना शुरुआत होता है। धीरे 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 महासमुद्र सूख जाता है। अंत में आदमी को भी डूबने का जगह नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध ने बताया, बारिश के समय में गाय रास्ता पे जाते समय गाय का पैर रास्ता के अंदर थोड़ा घुस के रहता है, उसमें पानी थोड़ा भरता है, वो ऐसा थोड़ा सा पानी बच जाता है, दम थोड़ा पानी बच जाता है। अंत में क्या होता है, वो भी सूख जाता है, वो भी सूख के अपना अंगुली में थोड़ा लगाने का पानी नहीं मिलता है। उस समय मानव कोई नहीं है धरती पे, उदाहरण बताए हैं, अंगुली में लगाने के लिए जैसा भी पानी नहीं मिलता है, एक बूंदा पानी नहीं है। वैसे ही है संस्कार, सारे संस्कार अनित्य है, स्थिर नहीं है, कोई शरण नहीं है संस्कार से। इसीलिए ये संस्कार से, अवबोध से ही अनासक्त होना चाहिए। संस्कार को आसक्त नहीं होना चाहिए, संस्कार से मुक्त होना ही अच्छा है। और समय जाने के बाद पांच सूरज उग जाते रहता है ना, और छठवां सूरज उग जाता है। ये छठवां सूरज उगते समय सिनेरु पर्वत तथा ये धरती से धुआं निकलना शुरुआत होता है, हर तरफ से धुआं निकलना शुरुआत होता है। जैसे जो कुछ गर्म होने से धुआं निकलता है ना, वैसे ही हर तरफ से धरती से धुआं निकलना शुरुआत होता है। वैसे ही है ये संस्कार, सारे संस्कार सदाकालिक नहीं है, स्थिर नहीं है, संस्कार से कोई शरण नहीं है। इसलिए ये संस्कार से अनासक्त होना चाहिए, संस्कार को आसक्त नहीं, और संस्कार से अवबोध से ही मुक्त होना बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध ने बताया,
छह सूरज उगते समय सातवां सूरज भी उग जाता है। सातवां सूरज उगते समय जो धुआं निकल के रहता था ना धरती पृथ्वी, ऐसे होने के बाद सिनेर पर्वत इत्यादि ये धरती से आग निकल जाता है। आग निकल के पूरा आग से पूरा धरती भर जाता है। अंत में बहुत दूर तक आसमान में ये आग फैल जाता है। पर्वत टूट जाता है, टूट के नष्ट हो जाता है। अंत में हिमालय पर्वत, सिनेरु पर्वत, ये सारे पर्वत टूट के धूल बन जाता है, छन हो जाता है। इधर भगवान बुद्ध ने बताया, ये धरती जलने के बाद कपूर जलाता है ना वैसा हो जाता है, घी जलाता है ना वैसा हो जाता है, धुआं भी नहीं है राख भी नहीं है वैसा हो जाता है। पृथ्वी जलने के बाद डस्ट भी नहीं बच जाता है, छन हो जाता है। ये होता है ये भद्रकल्प खत्म होने के बाद। कैसे? अभी अगले और एक भगवान बुद्ध जन्म लेते मैत्री नाम से, वो भगवान बुद्ध जन्म लेके उनका समय खत्म होने के बाद बहुत समय तक भगवान बुद्ध लोग दुनिया में नहीं है, उस समय ये होता है। एवं अनिच्चा भिक्वे संसार संखारा, इसी प्रकार सारे संस्कार अनित्य हैं। अध्वा भिक्वे संखारा, जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न हुआ वो सारे संस्कार स्थिर नहीं है। अनसासिका भिक्वे संखारा, कोई शरण नहीं मिलता है ये संस्कार से। यावंचिदं भिक्खवे अलमेव सब संखारेषु निबिन्दितुम्, इसीलिए ये संस्कार से जो कुछ हेतु के कारण उत्पन्न हुआ वो सारी चीज से विदा होना ही अच्छा है। अलं विराजितुम्, अवबोध से ही अनासक्त होना चाहिए। अलं विमुच्छितुम्, अवबोध से ही मुक्त होना ही अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए हैं एक अच्छी बात, वो क्या है भगवान बुद्ध ने बताया, ये बात ये महापृथ्वी एवं सिनेरु पर्वत ये सब कुछ नष्ट होने का ये बात मैं सिर्फ बताता हूँ, जिसके पास सम्मा दिट्ठि है उन्हीं को मैं बताता हूँ, और कौन मानेगा ये बात, संसार में कोई नहीं मानते हैं। सिर्फ जिसके पास सम्मा दिट्ठि है, सम्यक दृष्टि है, वे लोग सिर्फ मानेंगे। वे लोग सिर्फ जानते हैं अनित्य चीज अनित्य है, जो सदाकालिक नहीं वो सही में सदाकालिक नहीं है, जो दुख है वो दुख है, जो अपना वश में नहीं कर सकता है अनात्म है वो अनात्म जैसा है, वो मानते हैं जानते हैं। कौन? जिसके पास सम्मादिट्ठि है वो। ऐसा लोगों के साथ अनित्य के बारे में बात करना आसान है। बाकी लोग बोलेगा ये कब होगा, झूठ मूठ बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे लोगों को कैसे मान सकता है, बुद्धि है ही नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कौन ये मानेगा, जो कोई ज्ञान की रास्ता पे जा करके अपना प्रज्ञा को बढ़ाए हैं, दुख से मुक्त होने के लिए जो मेहनत करते हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी साधु संत है, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले, वे लोग मानते हैं। ऐसे हैं तो भगवान बुद्ध के समय में भी मूर्ख लोग थे, सिर्फ आज नहीं,
भगवान बुद्ध के समय में ऐसा है तो आज काल के बारे में क्या बात है। लेकिन आज का लोग भगवान बुद्ध की बात से ज्यादा कोई वैज्ञानिक लोग बोल दिया तो तुरंत मानता है, साइंटिस्ट लोग कुछ बोल दिया तो तुरंत मान लेता है, लेकिन ज्ञानी लोग जो कुछ बताता है नहीं मानते हैं। क्यों? बुद्धि है ही नहीं संसार के लोगों के पास। आप देखिए वेस्टर्न अंग्रेजी लोगों का बात पे बाकी लोग कितना ही अटक गया है, कोई कोई लोग पूरा फंस गया है। जो वेस्टर्न अंग्रेज लोगों का मानसिक स्वभाव, लोग सोचता है वो सत्य है, भगवान जैसा है वे लोग। अब देखिए भगवान बुद्ध के सुंदर उपदेश, इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध अपना अतीत एक याद इधर बताते हैं। भगवान बुद्ध थे उस समय सुनेत नाम से एक गुरु थे बहुत पहले। ये सुनेत गुरु जी पंचकाम भोगों से मुक्त हो गए, पंचकाम भोगों में बिना आसक्त हो करके रहते थे। ये सुनेत गुरु जी को बहुत सारे शिष्य थे। ये सुनेत गुरु जी अपना शिष्य लोगों को ब्रह्मलोक में जन्म लेने का रास्ता बताए हैं, क्योंकि उस समय वे सिर्फ उसी रास्ता जानते थे, कैसे ध्यान करना है, क्या कैसे ध्यान समापत्ति पाना है, वो सब कुछ ध्यान साधना का रास्ता मालूम है, वही रास्ता बताए हैं। उसी समय वो सुनित गुरु जी ब्रह्मलोक में जन्म लेने का रास्ता बताते समय कोई कोई शिष्य लोग उसी रास्ता पे जा करके ब्रह्मलोक में जन्म लिए, कोई कोई लोग उसी रास्ता पे जा करके पूरा करण नहीं कर पाता है, वे लोग परनिमित वसवत्ति देवलोक में जन्म लेते थे, कोई कोई लोग निम्मान रति में गए, कोई कोई लोग तुषित देवलोक में गए, कोई कोई लोग मन को बढ़ा के याम देवलोक में गए, कोई कोई लोग तावतिंस देवलोक में गए, कोई कोई शिष्य लोग चातु महाराज के देवलोक में गए, कोई कोई शिष्य लोग देवलोक में नहीं गए बल्कि मानव लोक में उत्तम महान राजकीय परिवार में, राजा का परिवार में जन्म लिया, बड़ा बड़ा परिवार में जन्म लिया, कोई कोई लोग मन को बढ़ा के धर्म रास्ता बढ़ा के बड़े बड़े परिवार में खानदान में जन्म लिया, और लोग धनवान लोगों के पास जन्म लिया। ये कौन सा समय का बात है? भगवान बुद्ध की उपदेश नहीं है, भगवान बुद्ध बहुत पहले एक ऋषि जी थे सुनेत नाम से, उसी ऋषि जी के समय का बात है। इसके बाद ये सुनेत गुरु जी को ऐसे मन में आ गया, मैं और ये शिष्य लोग बराबर हैं, इसलिए हम ये शिष्य लोग से ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए, इसके लिए मैं अब मैत्री ध्यान करूंगा। ऐसे सोच करके मैत्री ध्यान 7 साल तक बिना रुके हुए करने लगे। बिना रुके हुए मतलब सुबह से रात तक ऐसा नहीं, मतलब 7 साल तक अखंड मैत्री ध्यान किए हैं। ये सुनित गुरु जी 7 साल तक मैत्री ध्यान करने के कारण संवाट कल्प विवाट कल्प 7 मनुष्य लोक में आया नहीं,
संवट्टकल्प मतलब, संवट्टकल्प कहता है ये धरती नष्ट होने का समय को संवट्ट कहता है। विवट्टकल्प मतलब फिर ये धरती बन जाने का समय, ये दुनिया को, ये धरती को नष्ट होने के समय आभासर लोक में जन्म लेता है, आभासर ब्रह्मलोक में, फिर धरती बनने के बाद शून्य ब्रह्म लोक में जन्म पाता है। ऐसा संवट्ट विवट्ट कल्प सात खत्म होने के बाद महाब्रह्म जी बन गए। कौन? सुनेत गुरु जी। इसके बाद 36 बार देवताओं को मुखिया बन गए हैं। इसके बाद कई सौ हजार बार धरती पे चक्रवर्ती राजा बन गए। चक्रवर्ती राजा मतलब पूरा धरती का राजा, धार्मिक से पूरा धरती को पालता पोसता है। उस समय संबुद्धत्व भी प्राप्त नहीं किए थे। देखिए ये संबुद्धत्व को प्राप्त करना कितना ही दुर्लभ है, सोचना भी मुश्किल। भगवान बुद्ध ने बताया ये सुनित गुरु जी इतना ही दीर्घ समय के बाद फिर भी संसार से मुक्त नहीं कर पाया, उसी के कारण जाति जरा व्याधि मरण दुख पछताव तकलीफ ये सारे दुखों से मुक्त नहीं हो पाया। अब समझ में आता है ना ये सब कुछ चीज का नित्य, जितना ब्रह्मलोक में देवलोक में कही गया था भी दुख खत्म नहीं होता है। इतना ही दीर्घ संसार हम आप सभी लोगों को मिल गया। वो सुनित गुरु जी को भी भगवान बुद्ध ने बताया सभी दुख से मुक्त नहीं हो पाया। सीधा स्वर्ग में ही जा करके जन्म जन्म में बहुत ही समय के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया। एक प्रेतवत्व किताब में एक प्रेती बोलती है, प्रेतनी बोलती है, उन लोग जो खाता है खाना, क्या खाती है? थूप, ककार, खून, और जो बच्चा देते समय पेट से गिरता है गंदगी, इसका फेंकाना, पेशाब, जो शरीर जलाते समय शरीर से गिरने वाला गंदगी, जान और मरने के बाद पिघल जाता है उसी शरीर का गंदगी, ये सब खाते रहता है प्रेत भूत बनने के बाद। ऐसा संसार आपको चाहिए क्या? भगवान बुद्ध इसीलिए ये संसार को वर्णन नहीं किया, जन्म जन्म में जाना वर्णन नहीं किए थे। अगर जन्म जन्म में जाना हो गया तो जन्म जन्म में पता नहीं कहा जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार कारण सुनित गुरु जी को प्राप्त नहीं कर पाया। वो क्या है? आर्य शील, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा, आर्य विमुक्ति। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया लेकिन मैं अब आर्य शील को प्राप्त किया हूं। भगवान बुद्ध के पिछले एक जन्म है सुनित, मैं अभी आर्य शील को अवबोध किया हूं, आर्य समाधि को प्राप्त किया हूं, आर्य प्रज्ञा को प्राप्त किया हूं, आर्य विमुक्ति को प्राप्त किया हूं। अब हमें ये सारे भव इच्छा तृष्णा खत्म हो गया है, सारे भव बंधन सब टूट गया है, फिर मुझे कभी जन्म नहीं होता है। ऐसे बोल करके भगवान बुद्ध ने बताया एक सुंदर गाथा। शीलं समाधि पञ्च विमुक्ति च अनुत्तरा अनुबुद्धाय मे धम्मा
असासीना। भगवान बुद्ध ने बताया सील समाधि प्रज्ञा तथा अनुत्तर उत्तम विमुक्ति ये सब कुछ मैंने प्राप्त किया। अब मैं कीर्तिधर प्रज्ञावान गौतम बुद्ध हूं। इति बुद्धो अभिन्याय धम्म मक्खासि भिक्खुनं दुःखशान्त करो सत्था चक्खुमा परिनिब्बुता। वो भगवान बुद्ध आर्य सील आर्य समाधि आर्य प्रज्ञा आर्य विमुक्ति प्राप्त करके भंते लोगों को भी अपना शिष्य लोगों को भी वो धर्म की रास्ता बताया। ये दुख जो खत्म कर किए हैं वो गुरु ये सारे दुख मिटा के निर्वाण को प्राप्त करता है। देखिए ये उपदेश कितना संग संपूर्ण है। भगवान बुद्ध की रास्ता ऐसा है परिपूर्ण है। भगवान बुद्ध कौन है उनका ज्ञान क्या है ये सब कुछ हमें समझ में आता है ऐसा उपदेश सुनने के बाद। नहीं तो हमें कब समझ में आएगा। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध कोई नॉर्मल व्यक्ति है। आपको याद है इसी सूत्र में अनित्य के बारे में बताया। सात सूरज उगने लगा सिनेरु पर्वत इत्यादि पृथ्वी नष्ट होने के बारे में सुना सुनित्य गुरु जी के बारे में ध्यान समापत्ति के बारे में स्वर्ग के जन्म के बारे में ये सारे विस्तार आप सुने हैं। ये उपदेश सुनने के बाद आपको एक दिक्कत आना चाहिए। वो क्या प्रश्न आना चाहिए वो है हम कभी आर्यशील को प्राप्त करेंगे क्या हम कभी आर्य समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी कभी भी आर्य प्रज्ञा को प्राप्त करूंगा मैं भी कभी भी आर्य विमुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये दिक्कत सिर्फ आपके मन में आ गया तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया। नहीं तो इधर उधर मन चल गया तो आपको ये उपदेश समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये आर्य सील आर्य समाधि आर्य प्रज्ञा आर्य विमुक्ति जब तक प्राप्त नहीं करेगा तब तक जरा मृत्यु संसार में शोक पछताव दुख तकलीफ में अटक के रहना पड़ेगा कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये संसार को अंत नहीं है। देखिए कभी कभी विपत्ति आता है आपत्ति आता है सुनामी आ गया। सुनामी आते समय हजारों लाखों लोगों मर गया हजारों लाखों लोगों का बॉडी इकट्ठा कर दिया। ये देख देख के लोग पछताने लगा अफसोस करने लगा इतना शरीर देखने के लिए हम पाप किए थे क्या ऐसा लोग बोलता है। संसार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मनुष्य जन्म या कोई भी जन्म आ गया तो वह सही है। अगर प्रेत जन्म में गया तो तूप खकार पे काना कात रहना पड़ेगा। इतना ही गंदगी है ये संसार। इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाकर के मुक्ति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लोग कहता है ऐसा मृत्यु शरीर देख करके आपत्ति देख करके कभी भी जन्म जन्म में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन
जन्म जन्म में ऐसे ही होते होते जाना पड़ेगा। जन्म जन्म में जरा मरण शोक पछताव दुख तकलीफ ये सब कुछ के साथ ही जाना पड़ता है। अगर ये समझ गया तो देर होता नहीं है कोई, जल्दी जल्दी आर्य रास्ता पे जाता है। एक बार कोई लड़की लोग भगवान बुद्ध के सामने आकर के दारू पी की गाना गाने लगा। भगवान बुद्ध ने वे लोगों को क्या बताया है? भगवान बुद्ध ने बताया, कोनु हासो की मानंदो निच्चं पज्जलिते सती अंधकारेन ओ नद्धा पदीपं न गवेस्थ। तथागत ने बताया, तुम लोग किसी लिए ये हस्ती हो? तुम लोग को क्या मिला है? तुम लोग हमेशा जलते जलते रहते हो, अविद्या अंधकार में अटक गए हो। तुम लोग प्रज्ञा की दिया क्यों खोजते नहीं हो? देखिए संदेश, हम लोग भी पकड़ना चाहिए प्रज्ञा की दिया, नहीं तो जैसा सुना वैसा छोड़ दिया। कोई कोई लोग बताता है सभी लोग मुक्ति प्राप्त किया तो संसार में कौन रहेगा? भगवान बुद्ध ने बताया, जो धर्म को समझता नहीं है, मुक्ति प्राप्त नहीं करता है, वे लोग ये धरती के हां समान है। जो मुक्ति प्राप्त करता है वे लोग जो नाखून में लिया हुआ मिट्टी जैसा थोड़ा है। आप बताइए, धरती का मिट्टी ज्यादा है या नाखून में लिया हुआ मिट्टी ज्यादा है? नाखून का मिट्टी तम थोड़ा। दुख से मुक्ति प्राप्त करने का विचार जिसका मन में आता है वो बहुत पुण्यवान है, किसी का मन में आता ही नहीं है। बाकी सभी लोग जन्म जन्म में जा जाके दुख को भोगते भोगते संसार की ओर से जाते रहता है। आपको भी, आप भी किसी को ये भगवान बुद्धि का रास्ता बताने गया तो जिसका पास बुद्धि नहीं है वे लोग चिल्लाएगा, हम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे बोल के। वो सभी लोग धरती का मिट्टी के लोग हैं, नाखून का मिट्टी के लोग नहीं। सभी लोग संसार में जाने वाले हैं। देखिए कितना ही दुर्लभ है ये आर्य शील, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा, आर्य विमुक्ति, हम लोग भी अपनाना चाहिए। आर्य का मतलब है सम्यक दृष्टि से युक्त होना। सम्यक दृष्टि के साथ आर्य शील अपनाना है। आर्य शील मतलब शरीर मन वाणी से पाप नहीं करना, शील है। सम्मा समाधि से युक्त ध्यान आर्य समाधि है। आर्य समाधि मतलब ध्यान करके अपना मन की गंदगी को मिटाने के लिए ध्यान करना। आर्य मार्ग की प्रज्ञा आर्य प्रज्ञा है। आर्य प्रज्ञा कैसे होता है? आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्रयास करने से जो अवबोध होता है, काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा नष्ट होने के बाद आर्य विमुक्ति मिल जाता है। इसी जगह पे जाने के लिए हमें एक मदद चाहिए, वो है भगवान बुद्ध की धर्म की मदद। बिना भगवान बुद्ध की धर्म से किसी को आर्य शील अपना नहीं सकता, आर्य समाधि अपना नहीं सकता, आर्य प्रज्ञा अपना नहीं सकता, आर्य विमुक्ति पर आ ही नहीं सकता। ऐसे है तो जो कुछ शील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति है तो
वो भगवान बुद्ध के रास्ते से ही समझना पड़ता है। याद रखिए, परिपूर्ण सील के बारे में, बिना सील से, बिना विनय अनुशासन से समाधि में नहीं आ सकता है। धर्म विनय से बाहर प्रज्ञा को कैसे प्राप्त कर पाएगा? मुश्किल। इसीलिए हमेशा हम लोग धर्म विनय पे जाना चाहिए। संपूर्ण कंप्लीट सील विस्तार होता है सिर्फ भगवान बुद्ध की धर्म में, परिपूर्ण समाधि विस्तार होता है भगवान बुद्ध की धर्म में। भगवान बुद्ध के धर्म में ही ध्यान के बारे में परिपूर्ण विस्तार होता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथी ध्यान, ये सब कुछ। इसीलिए भगवान बुद्ध की धर्म का सिर्फ एक टारगेट होता है, वो है चार आर्य सत्य की अवबोध। हम लोग ये जो जाता है उसी रास्ता के लिए हमें सबसे पहले चाहिए श्रद्धा। हम लोग एक दूसरे का अवबोध के बारे में प्रसन्न होना जरूरत नहीं है, हम लोग भगवान बुद्ध के अवबोध के बारे में प्रसन्न होना चाहिए। भगवान बुद्ध के अवबोध कैसे हम लोग प्रसन्न होना चाहिए? भगवान बुद्ध अरहं, सारे राग द्वेष मोह क्रोध नफरत खत्म कर दिए। चार आर्य सत्य को बिना गुरु के उपदेश से ही प्राप्त किए, सम्मा संबुद्ध। उसी प्रकार से जीवन बिताए, विद्याचरण संपन्न, आर्यष्टांगिक मार्ग प्रयास किए हैं, अपनाए सुगत, सारे लोक के बारे में जान करके सभी लोक से मुक्त हो गए, लोक विदु। जो सुधार नहीं सकता ऐसा पापी लोगों को ज्ञान से, करुणा से, प्रज्ञा से सुधार किया। अनुत्तरो पुरुषदम सारथी, सारे देवता का तथा मानव का गुरु सास्था सत्था देव मनुष्यानं, जो प्राप्त किए वो धर्म ज्ञान महाकरुणा से सारे लोगों को सुंदर से बताया समझाया बुद्ध। ये सब कुछ गुण लेकर के रहने के लिए वो भाग्यवान है भगवान। ये प्रसन्नता होना चाहिए। अगर ये प्रसन्नता आपके मन में नहीं आ गया तो आप गुम के फिर आप दूसरा विचारों पे अटक जा सकता है। इसलिए श्रद्धा में आना बहुत जरूरी है। श्रद्धा में आ सकता है सिर्फ प्रज्ञावान लोगों को। जिसके पास प्रज्ञा नहीं है उन्हीं को कभी भी श्रद्धा नहीं पा सकता है। इसलिए आप लोग याद रखिए, हम सभी लोग आज हैं लेकिन कल क्या होगा? हम सभी लोग मरने के पहले, पता नहीं कब मरेगा, लेकिन मरने के पहले हम लोग सुरक्षित होना चाहिए भगवान बुद्ध की धर्म में। तभी तो हम लोगों को बिना डर के मार सकता है, दुर्गति में कभी नहीं जाएंगे ऐसे हो गया तो। इसलिए आप लोग भी ये सुंदर उपदेश ज्ञान समझ के, इसी सुंदर उपदेश ज्ञान की रास्ता पे जा करके सारे दुख से मुक्त होने के लिए मेहनत करिए। उसके लिए हम आप सभी लोगों को मौका मिल जाए। साधु साधु साधु।